दी, एक तो हार गई बहुत, और एक फिर उसके दूध कम उसका है। दूध कम है, उसका काट में भर जाने का इनका, इसका तो भर लेंगे, जमाना है अभी, इसका भर जाएगा तो इसका दो, और दूध का टाइम टाइम बन जा। देखो इंगे की बड़ी सुनी सुनी दो, ये ठड्डी ठड्डी जो लाल सी ना, लाल और कबरी सी है, बड़ी सोनी का है हरिया वाली। नहीं तो देखियो काम लड़की तो टक, मुझे लगा इन्होंने ना चाय पानी तो ना बनाई होगी पहले ही। चल खड़े हो जा, लो लेट लो गाड़ी का दौर इंगे फाड़ लो। अच्छा अच्छा चल चल बेटू मोला मार कुछ ना करते हो सर, तो टंकी चलो हाँ बंद दो, नहीं बंद दो अभी यहाँ पर। जैसे ही हम गाय लेके आ गए थे तो हमारे यहाँ पर है ना पहले कुछ भी मतलब चाय पानी नहीं बनाते, वैसे सभी का होगा पर हमारे घर में जो है ना आते के साथ ही दूध देवताओं पर चढ़ाया जाता है और फिर खीर वगैरह बनती है। इस्तेमाल में नहीं ले सकते जब तक देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाए, मतलब उनके नाम का निकाल के वहाँ चढ़ाने ना चले जाए या चढ़ा ना दे। और मंदिर भूमियाँ वगैरह सब पर चढ़ाया जाता है मंदिरों पर, और उसके बाद फिर खीर बनाई जाती है। और यहाँ पर मैंने ना अभी जीना लगा दिया है हारी में, मम्मी कह रही थी कि हारी में रख दे खीर बनती रहेगी, तो जीना लगा दिया, दूध रख दिया मैंने। और अभी इसमें ना थोड़ी देर के बाद मैंने चावल धो के डाल देने हैं, तो ये चावल मैंने निकाल लिए हैं, मम्मी को दिखा लूँगी, ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत निकाल लेंगे। और फिर अभी जो है ना यहाँ पर मैंने चावल जो है अच्छे से 6 से 7 बार वॉश कर लिए, उसके बाद मैंने इन्हें खीर के दूध में डाल दिया। जी हाँ हारी की खीर बनाएंगे आज। और ये वाली अभी क्या हुआ ना, सुबह मैं पापा जी के साथ में 4 बजे उनके घर चली गई थी जहाँ से हम गाय लाए हैं, हमारे पास में गाँव पड़ता है एक भूमा, वहाँ से गाय लाए हैं ये, 4 बजे चले गए थे, वो लोग 5 बजे दूध निकाल देते हैं, आधा पौन घंटा पहुँचने में लग गया। धीरे धीरे चलती है पापा पे बाइक, फिर वहाँ से गाड़ी करके हम अपनी गाय ले आए। और अब इसको ना दाना वगैरह डाल रही हूँ मैं, दाना भिगो के, और उसने यही बोला है जिसके यहाँ से गाय लाए हैं कि जितना खुआओगे गौर करोगे उतना ही मतलब दूध देगी, यही है वे देखो पशुओं का, जितना हम खुआएंगे उतना ही देगी। इसको भी डाला और इसको भी डाला, फिर भाई जो है ना थोड़ा चोकर ले आया कि ला इसको इधर, इसके भूस में थोड़ा सा चोकर भी डला देता हूँ, इसके भी इसके दोनों खा लेंगी। उसको मैंने दाना डाल दिया, ये खा लेगी अभी, बहुत सीधी है, बच्चे भी छेड़ ले कुछ नहीं कहती बिल्कुल भी, और बिना बछड़े की बिना लवारे की मतलब गाय हैं ये, आराम से बैठ के दूध निकलवा लेती है। बस आप लोग दुआ करो कि भाई दूध होता रहे। मम्मी ने बोला कि अब की बार ज्योति के हाथ से गाय मंगवाएंगे, हमारे नसीब में दूध ही नहीं है। पता नहीं जब भी ये गाय दूध का डंगर बांधते हैं तो दूध या तो सूख जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है, पता नहीं बच्चे दूध के लिए तरसते रहते हैं। मैंने कहा चलो देख लो, जब तुम सबकी यही इच्छा है कि मेरे हाथ से बांध के देखें तो बांध लो, मैं ले आई खुद जाके ये गाय पापा जी के साथ। और अभी जो है ना मैं गोबर फेर रही हूँ, मट्टी नहीं फेर रही बिल्कुल, गोबर गोबर फेर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कह रही मट्टी इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी धूल उड़ा है, कितना ही पानी छिड़क लो फिर भी अंगड़ों अंगड़ों धूल चढ़ जाए सारे सामानों पर, मंदिर वगैरह सब। मैंने कहा तो ऐसा करती हूँ मैं खाली गोबर फेरती हूँ, फिर मुझे पता चला जैसे ही मैं गोबर फेर रही थी कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, मम्मी बोली कि रसोई में फेर के छोड़ दे बाहर बाद में फेर लिए। मैंने कहा इतने मेहमान आएंगे चले नहीं होंगे, अभी अभी चले नहीं चले इतने तो मैं फेर लूँ कोई बात नहीं। अभी सुबह का नाश्ता वगैरह तो हो ही गया था, मैंने कहा कुछ टाइम के लिए सब लोग किचन से निकल जाओ सूख जाएगा, फिर उसके बाद में दोपहर के खाने की तैयारी कर लेंगे, जो मेहमान आएंगे वे खाना खाएंगे तो दोबारा बना लेंगे,
या फिर जो एक सब्जी ऐसी भी बना लो, बाकी देखी जाएगी। और यहाँ पर है ना, और उसे मैंने मिर्च पीसी थी कट्टे में, उसको कुछ चूरा रखा था वो खिल गया, उसको सकेर दिए। मैंने कहा सो सकेर दे बेटा, बस जल्दी जल्दी से ना गोबर का सारा हाथ फेर देती हूँ, ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। मम्मी के तो मम्मी अभी बोलती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मेरे हाथ से नहीं होगा, मुझ पर तब जा काम होना ही बंद हो गया। मैंने कहा तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, जो हो गया सो हो गया, हम है ना करने के लिए, हम सब कर लेंगे, तुम्हें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत अब तो तू एलाली करवा ली, फिर कौन करवाएगा। ये देखो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि डोगी को खुला रखा करो, फिलहाल खोल लिया, इसको बांध के रखना पड़ता है, बाहर चली जाती है तो कभी कभी खोल देते हैं। अभी खोल रखी थी तो अब नहीं, फ़ोन लेके मंड रही थी कि कह रही कि मम्मी मैं इसको बुला रही थी, इसको लगा कि बांध देगी, एकदम मम्मी की खाट के नीचे जाके बैठ गई। और थोड़ा सा रखना पड़ता है, बाहर ना जाए भाई। अभी फ़िलहाल जो है ना दोनों गाय को मैं नुहा दूंगी, तो पहले इसको नुहा दूंगी और फिर जो लाल वाली है उसको भी, और छोटी सी बच्चे को भी। जो छोटी सी बच्चे है ना हमारी, कभी आपको दिखाऊंगी नहाते हुए, बहुत वो कर दिए, मतलब जब उसे लगे कि तुझे नुहाने वाले हैं तो वह ना धरती में पाँव जमाने शुरू कर देती है, सरकानी भारी हो जाती है, मतलब चलती नहीं है, एकदम जम जाती है एक जगह की। बस अभी नहाने से पता नहीं कितनी डरती है, और हम तीनों ही बसों को नुहाते हैं। तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा किचन में काम करने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पर है ना मक्खी बहुत ज़्यादा जोर कर रही है, सच में मुझे फिनाइल लाना पड़ेगा किचन के लिए, मक्खियों ने इतनी हद कर रखी है बहुत ज़्यादा। कितनी मक्खी मैं दिन में को निकालती परेशान हो जाती हूँ। ज़्यादातर किचन बंद रखती हूँ, पूरा स्लिप साफ रखती हूँ जिससे मक्खी वगैरह ना आए। और ये बस बाकी सारे घर की साफ़ सफाई कर दी है कि ये काम और करना है मुझे, और ये किचन के अंदर की जो पीछे की स्लिप है ये भी एक दिन साफ करनी है, और उसे डब्बे वगैरह का काम रह रहा है। और उससे पहले कुछ और काम है जो करने ज़रूरी है, उसको एक दिन पीछे करूँगी, दो चार दिन के बाद भाभी चली जाएगी, फिर मुझे अकेले ही सब कुछ देखना है। छुट्टियों में अभी वो भी घर जाने के लिए बोल रही हैं, तो अभी यहाँ पर है ना मैं सोयाबीन जो है ना वो तेल में तल रही हूँ, इनको पानी में भिगो के रखा हुआ था, निचोड़ निचोड़ के तलनी शुरू कर दी। भाभी बोल रही थी कि दीदी ये सब्जी आप ही बनाओ, आप छोंक दो, मैं आटा बना लेती हूँ, और फिर मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी बनाना है। मैंने कहा चलो मैं छोंक देती हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ना लहसुन प्याज डाल दिए हैं, इनको अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद में हम ना मसाले डाल देंगे। तो ये मसाले जो हैं हल्दी नमक मिर्च धनिया मैंने एक कटोरी में पानी में घोल के रखे हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं, और मसालों को अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें टमाटर। तो यहाँ पर अर्चित बाबू से पूछ रही थी अमनी कि आज कौन आ रहा है, तो अर्चित बाबू बता रहे थे कौन आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कौन आ रहा है, जो अर्चित के जो है मामा और मामी आ रहे हैं, तो मिलिए आप लोग भी उनसे वीडियो में। और ये बता रहा था कि मेरे लाजू मामा आ रहे हैं, मैं भी जाऊँगा मामा के साथ। मम्मी ने चार बच्चों को आज मम्मी ने मतलब कपड़े वपड़े पहना के साई डाल दी, कहते कि मैं नुहा दूँगी। मैंने कहा नहीं नुहा मैं दूँगी, आप साई वगैरह डाल दी। मम्मी ने साई डाल दी, नू कहते कोई सा भी गंदा मत हो जियो, मेहमान आ रहे थोड़ा सही आया करो। आप यकीन नहीं करो दिन में मुझे ना कितनी बार कपड़े बदलते हैं हम बच्चों के। तो यहाँ पर अंकल जी की को भी कुछ हुआ है, आप लोगों को मैं बताऊँगी अगली वीडियो में, अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगी कुछ। और ये कमेंट भी आ रहा था कि आपके मामा जी को क्या हुआ है, आपने दीदी बताया ही नहीं है। मामा जी के बारे में भी जल्दी ही बताऊँगी, फ़िलहाल जो है वीडियो फिर लंबी हो जाती है, इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें एकदम बता सकूँ। आने वाले हर ब्लॉग में आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी मैं, क्या क्या दिक्कत चल रही है परिवार में गृहस्थी में। और अभी यहाँ पर जो है ना मसाला हमारा पक चुका था, इसमें मुझे डालनी है सोयाबीन, पर इस वाली कढ़ाई में नहीं बनेगी ये सब्जी, मुझे दूसरी कढ़ाई में डाल के रखनी पड़ी। और अभी मैं धो रही थी कपड़े, पापा जी के पजामे कुर्ता वगैरह जो है वाइट वाले, उनमें लील लगाने हैं, उनके लिए मैंने लील खोल लिया है। बस अभी इसको लील उन कुर्तों में लील वगैरह लगा दूँगी, और ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। भाभी खाना बनाने लग रही है, बस ये कह रही थी कोई कोई मिनट जा रही है, मेहमान आने वाले हैं। तो दोनों गाय का जो छत का पंखा है वो उतर रहा है, तो इसी वजह से दोपहर में तूफान पंखा इनके ऊपर लगा देते हैं। देखो पशु हैं, गर्मी तो उनको भी लगती है। और यहाँ अवनी ही बता रही थी आप लोगों को, ये गोरी बन रही है, इसका नाम छोटी सी का टेंड को रख रखा है, और उसका जो है कुछ और भी नाम बता रही थी, तीसरी गाय का भी उसने कुछ नाम रखा है। मेहमान आ चुके थे, चाय पानी हो गया, मतलब चाय तो इतनी गर्मी में क्या ठंडा वगैरह मंगा लिया था। और अभी जो है ना खीर बनाई थी, तो दीदी को और भैया को दोनों को मैं खीर दे रही थी खाने के लिए, तो बोल रहे कि ज़्यादा है थोड़ी कम करके लाओ, इतनी नहीं खाएंगे, कम खाते हैं ये लोग खीर। फिर अभी इनके लिए खीर करके लाई मैं कम, और फिर उसके बाद यहाँ मम्मी मैं दीदी हम सब लोग बैठे हुए ना बात कर रहे थे। मम्मी का पता लेने के लिए आई थी छोटी भाभी की, भैया और भाभी कि मम्मी को देखाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मौसी को देखने नहीं गए, जो मतलब मेरी मौसी है उनके बस की नहीं है अब, जो उनका शरीर काफ़ी भारी हो रहा है,
करती है वैसे काम, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं होता उनसे, तो इसलिए भाभी और भैया आ गए पता लेने के लिए। अभी इसको पानी पिला रही थी मैं, थोड़ा थोड़ा काम है ना सब मिल बांट के कर लेते हैं हम लोग। अंकल जी पे भी नहीं होता देखो अब जो काम, और मम्मी पे भी नहीं होता। अंकल जी मतलब एक आधा कर लिया तो कर लिया, पर अभी वो दिक्कत में है। फिर अभी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कोई आया है, इसी वीडियो में मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझसे मिलने के लिए आए। मैं यहाँ पर थी भी नहीं, टेलर के यहाँ जाती थी। फिर मेरी छोटी भाभी ने कॉल करके बोला कि दीदी आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आप घर आ जाओ। तो बस मैं वहाँ से निकली गई थी टेलर के, वहाँ से गांव में ही थी। फिर मैंने देखा कि ये बोलते कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हो, आपसे मिलने आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मिलने के लिए आता है, तो बहुत खुशी हुई मतलब मुझे इन सब से मिल के, और अच्छा लगा। काफ़ी टाइम तक ये मेरे पास बैठ रहे, हम लोगों ने बात की और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, मतलब हम लोगों ने मंगाया पिलाया। क्योंकि देखो जब घर कोई आया है तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, कोई दो पाँव उठाकर हमसे मिलने के लिए आया है, उसके लिए कुछ ना करे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। और अभी यहाँ पर शाम का समय हो रहा है, तो इसके नीचे मैंने बोला बछड़ा बछड़ा कुछ बचिया कुछ भी नहीं है, तो उसका दूध जो है मुझे ही निकालना पड़ेगा। मम्मी कह रही कि तुझे ही निकालना पड़ेगा, मेरे हाथ से तो नहीं निकलेगा, मैं नैना टाइट कर देती हूँ। मैंने कहा तुम रहने दो मैं कर लूँगी अपना, अब निकाल लूँगी भाई, है ना आज ही आई है, ध्यान से निकालना, कभी पैर उर उठाए वैसे तो नहीं उठाएगी, बच्चों को भी हाथ लगवा लेती है बड़ों का भी। तो बस अब इसका दूध निकाल लेती हूँ मैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।